अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूवर्स, फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज ओलिविया हेयर कलर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, और जो मार्केट में आपको कितने में मिलने वाला है, और इसका रिज़ल्ट के बारे में और मार्केट डिमांड के बारे में, जो कस्टमर डिमांड है वो हमारे पास वो कितनी है, और अगर कहें कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कम रेट में जो कलर सेल हो रहा है वो ओलिविया हेयर कलर है। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसकी जो शेड्स हैं वो भी सारी तकरीबन 12 शेड हैं इनकी हैं बनाई हुई, और कलर की अगर बात करें तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। जितने भी कस्टमर हमारे से लेके जाते हैं ये वाला हेयर कलर, वो बताते हैं कि इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, और इसका कलर लगाने के बाद कोई भी जिल्द के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, या इसको अगर हम कभी छोड़ भी देते हैं तो इसके बाद में अक्सर होता है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम अगर हेयर कलर लगाते हैं तो हमारे बालों के ऊपर एलर्जी हो जाती, सर के ऊपर एलर्जी हो जाती है या खुश्की हो जाती है। तो जे वाले कलर से कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आप इस कलर की बात करें कि इनकी शेड्स कितनी हैं, ये आप देख सकते हैं साइड के ऊपर, ये 12 शेडें हैं इनकी, और सारी की सारी शेडें इनकी चल रही हैं। जितने भी पॉलर वाले हैं, पॉलर वालियाँ हैं या सलून वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इस कलर को यूज़ करते हैं। और इनकी ये शेडें हैं जी जो ज़्यादा सेल होने वाली, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, और साथ में महागनी कलर जो है इनका बहुत ज़्यादा सेल होता है, बरगंडी कलर इनका काफ़ी सेल होता है। बाकी इनकी 12 शेडें हैं। जो दोस्त कहते हैं कि हमें बहुत कम रेट में कोई अच्छा हेयर कलर चाहिए, तो वो ओलिविया हेयर कलर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं या हमारे पास जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है या कोई नई प्रोडक्ट आती है, तो मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ उसकी वीडियो इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। दोस्तों, आज ओलिविया के ऊपर वीडियो बना रहा था। जिन दोस्तों ने ये वाला पहले हेयर कलर को यूज़ किया है, अगर तो उनको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है तो अभी भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला या इससे कोई आपको प्रॉब्लम हुई है, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मुझे तकरीबन 12 से 15 साल के तकरीबन दरमियान का अरसा हो चुका है मैं शॉप करते हुए, लेकिन आज तक मेरे पास कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने आके कहा हो कि ओलिविया हेयर कलर अच्छा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि बहुत मुनासिब प्राइस में, थोड़े से पैसों में कोई अच्छा हेयर कलर मिल जाए तो वो ओलिविया हेयर कलर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।